ओबीएस कहानी नंबर 34। यीशु ने बहुत सारिया कहानियां सुनाइया। यीशु ने परमात्मा राज्य के बारे में और भी बहुत सारिया कहानियां सुनाइया। यीशु ने बोलिया, परमात्मा राज्य राई रे बीजा री तरह है, जो किने अपने डोरू बीच बीजता। तुस आखे पता है कि राई रा बीज सब बीजा ते छोटा होवा, पर जे राई रा बीज बड़ा होवा तो से बगीचे री सब डालिया ते बड़ा हो जावा। से इतना बड़ा हो जावा कि पंछी भी आए कि तीजी टहणिया पांदे आराम करो। यीशु ने एक और कहानी सुनाई, परमात्मा राज्य खमीरा री तरह है, जो एक जवानसा ने ले के 3 किलो आटे बीच मिलाईता और हुंदे हुंदे से सारा आटा खमीर बनेगा। परमात्मा राज्य तेस खजाने री तरह है, जो किने डोरू बीच छुपाईता। किस दूजे आदमी के से खजाना मिलेगा और तीने तीज के हासिल करने री बहुत इच्छा राखी, इज खाते तीने से खजाना दोबारा तीय ही दवाईता। से आदमी इतना ज्यादा खुश हुईगा कि तीने जाए के अपना सब कुछ बेचता, ताकि से तेज खजाने वाले डोरू के खरीद सको जेती से खजाना था। परमात्मा राज्य एक बहुत कीमती शुद्ध मोती री तरह है। जब एक मोती व्यापारी के से कीमती मोती मिलिया तो तीने अपना सब कुछ बेचता, ताकि से तेज के खरीद सको। तेती कुछ लोग थे जो सोचो थे कि परमात्मा ने आसे इज खातर स्वीकार करने, क्योंकि आसे अच्छे काम करने लगे रे। ये लोग एड़े लोग तुच्छ मानो थे, जो तीना अच्छे काम नहीं करो थे। इज खातर इसने तीना की ये कहानी सुनाई। दो आदमी थे और दोनों आदमी मंदिर विच प्रार्थना करने खातर गए। तीनों विच ते एक चुंगी लेने वाला था और दूजा धार्मिक गुरु था। तेस धार्मिक गुरु ने इस तरह प्रार्थना की, ए परमात्मा, तेरा धन्यवाद हो कि हूँ दूजे लोगों की तरह चुंगी लेने वाला डाकू और व्यभिचार करने वाला पापी आदमी नहीं है। हूँ हर हफ्ते बिच दो बार व्रत रखूँगा और अपनी कमाइया बिच ते दसवां हिस्सा ताखे देऊँगा। पर तेस चुंगी लेने वाले आदमी ने तेस धार्मिक गुरु ते दूर खड़े हुए के अपनी छाती पीटी पीटी के प्रार्थना की, ए परमात्मा, कृपा करके मेरे पांदे दया करो, क्योंकि हूँ एक पापी आदमी है। फिर यीशु ने बोलिया, हूँ तुसा के सच बोलूँ है, परमात्मा ने तेस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी और से धर्मी ठहराया, पर तिने तेस धार्मिक गुरु की प्रार्थना पसंद नहीं की। इस खातर हर एक आदमी जो आपी के बड़ा समझो आ, परमात्मा ने से छोटा करना, और जो आपी के छोटा समझो आ, परमात्मा ने से बड़ा करना।